वेबशाला। 10 नर्वस सिस्टम नेटवर्क ऑफ नर्व्स। नर्वस सिस्टम क्या होता है? बहुत सारी जब नर्व्स एक साथ मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब कैसे नर्वस सिस्टम क्या होता है? आप ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स कम्युनिकेट आर ऑर्गन्स टू टेक सच काइंड ऑफ एक्शन। कलेक्टिवली दिस सिस्टम्स आर कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम। और इसी को क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। जैसे हम समझते हैं कि अगर हम कोई गर्म कुछ चीज़ रहती है वहाँ पर टच करते तो फट से हमारा हाथ क्या करता है? पीछे हो जाता है। तो ये क्या होता है? सेंस होते हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं? फटाक से हाथ जो है वो पीछे आ जाता है। तो वो क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो होती है, नर्व्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो सबसे पहले जो कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी या सबको, वो है ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन कहाँ पे प्लेस्ड है? स्कल में प्लेस्ड है एंड मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है नर्वस सिस्टम का, वो क्या होता है? ब्रेन होता है। ये क्या करता है? पूरी बॉडी को, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और यहाँ तक कि बॉडी को ही नहीं बल्कि आसपास के जो एटमॉस्फेयर है, ऑरा को भी क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। ऑल द ऑर्गन्स फॉलो कमांड सेंड फ्रॉम द ब्रेन। सब कुछ काम जो होता है वो कौन हेल्प कराता है? ब्रेन हेल्प कराता है। ठीक है, ये ब्रेन है, यहाँ से जो निकली हुई है यहाँ तक की, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। एंड ये जो है, ये सब क्या है? नर्व्स। क्या है? नर्व। और ये जो कंसिस्ट करता है, इसी को बोलते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नर्वस सिस्टम में, वो है ब्रेन। जो ब्रेन है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, सेरिब्लम एंड मेड्यूला। ठीक है, सेरिब्रम, इसको क्या बोला जाता है? बिग ब्रेन। सबसे बड़ा जो ब्रेन होता है उसको क्या बोला जाता है? सेरिब्रम। ठीक है, इट होल्ड्स अप 85% ऑफ द टोटल वेट। ये 85% का क्या करता है? वेट होल्ड करता है। और जो सेरिब्रम होता है वो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। यहाँ पे हम जो भी चीज़ें सोचते हैं वो ये होता है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट हेल्प्स वन टू रिमेंबर, थिंक एंड टू रीजन। इट ऑल्सो कंट्रोल द वर्किंग ऑफ आवर आई। हमारी आँख की जो वर्किंग होती है उसी को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम आर डिवाइडेड इनटू टू हाफ। सेरिब्रम जो है वो दो टुकड़ों में डिवाइडेड है। राइट साइड डील्स विद इमोशंस, म्यूजिक एक्सेट्रा। जो राइट वाला साइड है सेरिब्रम, वो हमारे इमोशन, जो भी हमारे फीलिंग्स है उसके साथ डील करता है और गाने के साथ डील करता है। वही लेफ्ट वाला जो है वो लॉजिकल, सोचने में और स्पीच, हमें कुछ बोलना है उसके लिए सोचने में मजबूर करता है। सेरिब्रम इज मच बिगर इन ह्यूमंस एज कम्पेयर टू एनिमल्स। सेरिब्रम जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। जानवरों से अगर कंपेयर करें तभी हम क्या होते हैं, हमारी थिंकिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा होती है, तभी हम एनिमल से भी ज़्यादा क्या होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है सेरिब्लम। सेरिब्लम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिटिल ब्रेन। ये छोटा सा ब्रेन होता है एंड ओनली 1/8 ऑफ द सेरिब्लम। ठीक है, इट इज़ ओनली 1/8 ऑफ द सेरिब्लम। ठीक है, बहुत कम होता है। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है मसल्स एंड हेल्प्स अस टू कीप आवर बैलेंस। और ये हमारी बॉडी में क्या करता है? बैलेंस बनाए के रखता है। मेड्यूला, मेड्यूला इज कॉल्ड एज अ ब्रेन स्टेम। ये क्या होता है? इसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसे टेब्यूलर शेप्ड होता है और ये स्टेम जैसा दिखता है, इसलिए इसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ये किस में हेल्प कराता है? ये कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन। जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है, जैसे डाइजेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ब्लड एक्सेट्रा। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एक्सेट्रा। इट हेल्प्स द वर्किंग इवन व्हेन वी आर अस्लीप। जब हम सो भी जाते हैं ना, उसके बाद भी ये क्या करता है? अपना काम करता रहता है। तो ब्रेन जो है वो थ्री पार्ट्स में, सेरिब्रम, सेरिब्लम, मेड्यूला। इसका देखो एक डायग्राम दे रखा है। आउटर मोस्ट ये जो है ब्रेन का, वो है स्कल। स्कल के अंदर क्या है? ब्रेन। ब्रेन के अंदर ये जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। नेक्स्ट जो होता है ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये बहुत लिटिल है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन। इसका नाम है सेरिब्लम। और ये वाला जो है, ये वाला जो ब्रेन का पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पाइनल कॉर्ड। जो नेक्स्ट नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट जो वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किससे बने हुए होते हैं? वर्टेब्रेट से। कितने वर्टेब्रेट से? 33। और जो क्या होता है? वेरी फ्लेक्सिबल कॉलम होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। दिस थिक रोप लाइक बंडल ऑफ नर्व्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अभी बताया था ये होते हैं स्पाइनल कॉर्ड।
स्टार्टिंग फ्रॉम द मेड्यूला, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, स्पाइनल कॉर्ड मेड्यूला से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, लोअर एंड ऑफ द स्पाइन, नीचे तक जाती है स्पाइन के एंड तक, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड. नर्व फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्प्रेड देमसेल्व ऑल ओवर द बॉडी. स्पाइनल कॉर्ड है उसके आसपास क्या है, फैला हुआ नर्व्स जो है वो पूरे पार्ट्स में क्या है, फैली हुई है. देयर आफ्टर रिएक्शन ऑफ दिस मैसेजेस ट्रेवल बैक टू द ब्रेन, वापस से वो ब्रेन की क्या होती है, ट्रेवल करती है. और दिस वे द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम कैरीज, ब्रेन हमें कोई चीज़ देता है वापस, हमसे जो नर्व सिस्टम से वो वापस ब्रेन में भी क्या करती है, पहुँचाती है किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू. जो नर्व्स हैं वो क्या होती है, वो हर एक पार्ट को क्या करती है, लिंक करती है हमारी बॉडी से कहाँ तक, ब्रेन तक. तो इट इज़ द नर्व्स दैट लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, दे डू इट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड्स. ये किसकी मदद से करता है, स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है. तो जो नर्व्स है वो तीन तरह की होती है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स. सेंसरी नर्व्स क्या होता है, फटाक से क्या करती है, मैसेज जो होता है सेंस ऑर्गन से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है, ठीक है. क्या करती है, मैसेजेस जो होता है सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक वो लेके जाती है, उस नर्व को क्या बोलती है, सेंसरी नर्व. सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन. तो इन सब के जो काम होते हैं वो सारे क्या करती है, सेंसरी नर्व कंट्रोल करती है. मोटर नर्व ये कैरी करती है ऑर्डर फ्रॉम ब्रेन एंड ऑर्डर टू मसल्स और ग्लैंड टू रिस्पॉन्ड. ऑर्डर लेती है कहाँ से, ब्रेन से, एंड किसको ऑर्डर करती है, मसल्स को या ग्लैंड्स को, कि आप उसकी तरफ रिस्पॉन्ड दो. मिक्स नर्व्स दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड दे इवन बैक, में नाम से ही क्लियर है, मिक्स नर्व मतलब सारी बॉडी पार्ट से जो है वो ब्रेन तक मैसेज ले जाती हैं और इवन ब्रिंग बैक ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन. और ब्रेन जो ऑर्डर देता है, जो समझाता है, वो चीज़ वापस किसको लाता है, पहुँचा देती है, मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है. नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पे है मोमबत्ती और यहाँ पे क्या है, उसकी आग जल रही, जैसे हम उसके टच करने जाते हैं हमारा हार्ट फट से पीछे हट जाता है. हमको इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि हम उस चीज़ को सोच सकें कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा फट से हाथ जो है वो पीछे हो जाता है. वो किसके कारण होता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन के कारण होता है, ठीक है. इफ़ समवन एक्सीडेंटली टचेज इन हॉट आयरन, ठीक है, गर्म उसको गर्म प्रेस को अगर कोई हाथ लगा लेता है तो फटाक से अपना हाथ क्या कर लेता है, पीछे कर लेता है. ये क्या होता है, अपने आप से होता है, आप सोचते भी नहीं हो और इतने में वो क्या हो जाता है, हाथ पीछे. इट हैपेंस सो फास्ट दैट ही और शी हैज नो टाइम इवन टू थिंक अबाउट इट. सच एक्शंस आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन, और इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन. अब रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है कि वो जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाते ही नहीं है, वो कहाँ तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हेल्प करता है सेंस को हमारे हाथ को बचाने में एंड टेक्स द एक्शन क्विकली टू अवॉइड द डैमेज, हमारे हाथ को किसी को भी चीज़ को नुकसान ना हो और इसलिए हम फट से क्या कर लेते हैं, उसको पीछे. एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, वो आप लोगों को घर पे रीड करना है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल. नेक्स्ट आता है सेंस ऑर्गन. तो सेंस ऑर्गन जो होता है वो कनेक्ट करता है आप ब्रेन, बॉडी एंड सोल एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. दे आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग्स एंड स्किन, ठीक है. तो हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है. इसके साथ जो आपकी फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होती है. थैंक यू. इस पार्ट में आज हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन. तो सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है. तो सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन है वो है आईज. तो आईज क्या होता है, हमें देखने की पावर देता है. तो आईज गिव्स अस लाइट द पावर टू सी, हमें देखने की क्या करता है, पावर देता है देखने की. आईज एंड ब्रेन्स वर्क टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सीइंग थिंग्स, ठीक है. वो दोनों क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं. आई इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इज राउंड लाइक अ बॉल. आईज कैसी होती है, बॉल जैसी होती है. इट इज़ प्रेजेंट इन द सॉकेट ऑफ द स्कल, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सॉकेट ऑफ द स्कल. और ये क्या होती है, गेट्स प्रोटेक्टेड. हम आई किससे प्रोटेक्टेड होती है, तो आईलेट्स और आईलैशियस, ये वाली जो है इसको बोलते हैं आईलेट्स और नीचे वाली को क्या बोलते हैं, आईलैशियस, ठीक है. अब जो आईज है वो भी क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को क्या करती है, कंटेन करती है. सबसे पहले जो आता है वो आता है ये वाला, ठीक है. ये क्या है, कॉर्निया. कॉर्निया क्या होता है, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट एरिया. ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया. क्या बोलते हैं, कॉर्निया. ये सबसे फ्रंट पोर्शन ही होता है, ठीक है. उसके बाद कलर्ड पार्ट ऑफ द आईज, जहाँ पे हमें कलर डिटेक्ट होता है ना, कि ग्रीन कलर है आईज का, ब्लू कलर है, तो उसको क्या बोलते हैं, आयरिस. क्या बोलते हैं, आयरिस. सीलियरी मसल जो होती है वो प्यूपिल, जो आँख के अंदर बीच में काला काला दिखता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं. उसके साइज को क्या करता है, ये कंट्रोल करती है. उसको क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल. ये एंड पे ये, और ये क्या है, सीलियरी मसल से, ठीक है.
और ये जो है जहाँ पे इमेज बनती है, कहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, ये पीछे वाली साइड जो यहाँ पे इमेज कहीं बनती है और उस इमेज जहाँ पे फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। और जहाँ से वो क्या करता है, बोथ एंट्रेंस ऑफ सेंसेशन ऑफ बोथ लाइट एंड कलर को जो बचाता है वो भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रेटिना। ठीक है, तो इसके साथ जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज़ के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आई केयर। हम अपनी आइज़ की केयर कैसे कर सकते हैं, आइज़ जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन होता है जिससे हम देख सकते हैं, तो हमारी आइज़ को हमें क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए मॉर्निंग में, और हमें बहुत ज़्यादा अंधेरे में क्या नहीं करना चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए ना पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डू नॉट वर्क ऑन ब्राइट कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस में भी काम नहीं करना चाहिए, सिट फार अवे फ्रॉम द टीवी सेट, एटलीस्ट 10 फिट की दूरी पे हमें टीवी से बैठना चाहिए, डू नॉट रीड वाइल लेइंग डाउन और मूविंग कार और बसेस, ठीक है, गाड़ी चलते हुए कभी भी हमने पढ़ाई नहीं करना चाहिए, नेवर रब योर आइज विथ योर डर्टी क्लॉथ्स और डर्टी हैंड, हमें कभी भी हमारी आइज को रब नहीं करना चाहिए डर्टी हैंड्स या डर्टी आइज के साथ, इफ़ यू हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग एट वंस सी एट योर आई स्पेशलिस्ट, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट होता है ईयर, ईयर जो होता है वो हमें क्या करता है, सुनने में मदद कराता है और हमारी बॉडी में क्या करता है, बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, तो द आउटर ईयर, ईयर जो होता है वो आउटर ईयर होता है, मिडल ईयर होता है, ईयर ड्रम्स जो होते हैं और इनर ईयर होते हैं। ठीक है, तो द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ अ ईयर फ्लैप, आउटर ईयर जो होता है वो किसको कंसिस्ट करता है, ईयर फ्लैप, ये जो आप पार्ट को देख पा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ईयर फ्लैप। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिडल ईयर, आप इसको क्या भी बोल सकते हैं, मिडल ईयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड द शेप ऑफ द ईयर फ्लैप्स हेल्प्स अस टू कलेक्ट साउंड, ये क्या करता है, आसपास के साउंड को कलेक्ट करता है और कहाँ पे ले जाता है, ईयर कैनाल, ये बीच में जो है ईयर ड्रम में ले जाता है, और ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है साउंड को और वो हमें हेल्प करता है सुनने में। इनर ईयर हेल्प्स अस टू कीप द बैलेंस, ईयर जो अंदर का इनर होता है वो हमें क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईयर केयर, आप ईयर की केयर कैसे कर सकते हैं, नेवर इंसर्ट अ टूथपिक इन योर ईयर, हमें कभी भी वो टूथपिक होती है हमें ईयर्स में नहीं डालना चाहिए, हमारे ईयर्स को हमें कैसे रखना चाहिए, क्लीन और ड्राई रखना चाहिए, यूज़ ऑलवेज बैंडेड ईयरबड्स, हमें हमेशा वो ईयरबड्स आते हैं ना उसको यूज़ करना चाहिए, और अगर हमारे ईयर एक कान कभी दुखते हैं तो हमें ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, ENT स्पेशलिस्ट मतलब ईयर नोज एंड थ्रॉट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, तो ईयर जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट होता है नोज, नोज हमें किस में हेल्प कराते हैं, ब्रीथ कराने में हेल्प करता है और स्मेल करने में हेल्प करता है, द नर्व एंडिंग ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द नोज इज कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड हेल्प्स अस टू स्मेल, ये हमें किस में हेल्प कराता है, स्मेल में हेल्प कराता है, द टाइनी हेयर एंड म्यूकस इन द नोज प्रिवेंट्स डस्ट जर्म्स टू एंटर, ठीक है, अपनी नोज के अंदर हेयर्स होते हैं जो क्या प्रिवेंट करते हैं, डस्ट और जर्म्स को हमारी नोज में एंटर होने से। नोज़ केयर, हम हमारी नोज़ की कैसे केयर कर सकते हैं, ब्लो योर नोज़ रेगुलरली, हमें हमारी नाक को रोज़ साफ करना चाहिए, डू नॉट पियर्स योर नोज़, हमें नाक में कभी भी छेद नहीं करना चाहिए, ब्रीथ थ्रू द नोज़, नोज़ के थ्रू हमें ब्रीथ करना चाहिए, कीप इट क्लीन एंड ड्राई, हमें हमारी नोज़ को कैसे रखना चाहिए, क्लीन और ड्राई। नेक्स्ट आता है टंग, टंग सीम्स रफ बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद थाउजेंड्स ऑफ टाइनी टेस्ट बर्ड्स, हमारे हम अगर टंग को टच करते तो वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, रफ लगती है, क्यों, क्योंकि वो किससे कवर्ड होती है, टाइनी टेस्ट बर्ड्स से, टंग हेल्प्स अस इन स्पीकिंग टू, टंग हमें किस में हेल्प करती है, स्पीक बोलने में भी हेल्प करती है, द टेस्ट बर्ड्स हैव नर्व एंडिंग, टेस्ट बर्ड्स की क्या होती है, नर्व एंडिंग होती है, व्हेनेवर वन ईट्स और ड्रिंक समथिंग दिस नर्व्स कैरी टेस्ट मैसेजेस टू द ब्रेन, और यही क्या करती है, ब्रेन तक मैसेज ले जाती है, द ब्रेन एट द सेम नैनो सेकेंड स्पीड, ब्रेन इतनी जल्दी रिप्लाई कर देता है, नैनो सेकेंड जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो, इतनी जल्दी वो क्या कर देता है, सेंड कर देता है और हम हमारे टेस्ट को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, फूड टेस्ट बेटर देन व्हेन वी स्मेल, ठीक है, फूड कब अच्छा लगता है, जब हम उसको क्या करते हैं, स्मेल, तो इस वे में जो टंग है वो भी क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बोलने में भी और खाने में भी, टेस्ट में भी। नेक्स्ट आता है स्किन, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, पूरी बॉडी तो हमारी किससे कवर्ड है, स्किन से कवर्ड है। ठीक है, इट हैज़ अ नर्व एंडिंग्स विच हेल्प्स वन टू फील,
हीट, कोल्ड, पेन एक्सेट्रा, गर्मी, ठंड सब कुछ हमें कौन हेल्प कराता है? स्किन. नॉट ओनली डज इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन बट ऑल्सो रिमूव्स बॉडी वेस्ट थ्रू दी स्वेट. ठीक है, और जो पसीना निकलता है उससे हमारी जो बॉडी के अंदर का जो भी वेस्ट है उससे क्या होता है, निकल जाता है. ठीक है, स्किन की केयर लेना क्यों जरूरी है? हैव अ बाथ विद सोप एंड वाटर. हमें बाथ लेना चाहिए सोप और वाटर से ताकि हमारे जो भी बॉडी जो भी स्किन पे जर्म्स है वो सब क्या हो जाए, मर जाए. वियर क्लीन ड्राई क्लॉथ्स, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए. अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, हमें डायरेक्टली सनलाइट से अवॉइड होना चाहिए. ठीक है, इसके साथ आपका ये जो पूरा चैप्टर है द नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.